வணக்கம் சார் ஐ அம் மிஸ்டர் ஐயர் வணக்கம் அண்ட் ஐ அம் மிஸ்ஸஸ் ஐயர் சார் ஹமி 102 கா ஓனர் ஹம்னே ஹி ஃபோன் கியா தா வோ சோரி கா சோரோ கி கேங் கோ ஹம்னே பக்கட் லியா ஹை லேகின் ஹமே ஷக் ஹை கி இன்மே ஸே கோயி நா கோயி ஆப்கே பஹ்சான் கா ஹோகா கியோகி ஐசி சோரியோ மே அக்சர் கர் பேதி ஹி இன் சோரோ கி மதத் கர்தா ஹை கர் பேதி சார் சம்ஜா நஹி கோயி ஜான் பஹ்சான் வாலா ஹமாரா பஹ்சான் வாலா कौन होगा जी ये तो आप ही बता सकते हैं आइए हमारे साथ और पहचान कर लीजिए आइए मिस्टर अय्यर मिसेस अय्यर गौर से देखिए यही है वो चोरों की गैंग क्या आप इनमें से किसी को पहचानते हो ये मैडम को मैंने कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा है इसको कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा देखिए मिस्टर अय्यर हम लोग चोर नहीं है अच्छा तुम चोर नहीं है हम जैसी केरला से बॉम्बे लैंड किया हम हमारे मोबाइल में सीसीटीवी ऐप में देखा तुम लोग हमारे घर के अंदर था और तुम लोग बोलता है तुम लोग चोर नहीं है भागा इनके घर में सीसीटीवी कैमरा तूने देखा नहीं सेठ जी हम लोग वहाँ चोरी करने थोड़ी गए थे कि मैं ये सब चेक करूं ए बस करो अभी रंगे हाथों पकड़े गए फिर भी तुम्हारा नाटक नहीं बंद होता देखिए इंस्पेक्टर साहब हम लोग नाटक नहीं कर रहे हैं मैं चोर नहीं हूँ मिस्टर अय्यर जैसे आप अय्यर है ना है ना मैं भी अय्यर है तुम भी अय्यर है हाँ अय्यो तुमको शर्म नहीं आती एक अय्यर हो कि अय्यर के घर में चोरी करता तुम इंगलोर अय्यर आईट अय्यर रे वीटले कट्टेड के रे यान अय्यर कम्युनिटी ले कंप्लेन चेदे ते इंगला आउटकास्ट चेयुं पड़नता तुमने इस अय्यर को उस अय्यर के नजर में जो गिरा दिया है ना उसके लिए मैं तुमको कभी माफ नहीं करेगा मैं तुम सबको सख्त से सख्त सजा दिलाएगा ऐसा मत करना आई एम रेपुटेड साइंटिस्ट ऑफ इंडिया मैं चोर नहीं हूँ हाँ और सिर्फ अय्यर भाई नहीं हमें से कोई चोर नहीं है और मेरे बात करो तो मेरी तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान है आपके फ्लैट के नीचे ही मेरी दुकान है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ अभी याद आया हमको हमने इनको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा था वो हमारा मोबाइल का फोटोज डिलीट हो गया था हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में गया था हाँ याद आया आपके फोटो डिलीट हो गए थे और मैंने आपको रिकवर करके दिए थे ये मेरा आदमी है मेरे दुकान में काम करता है वो जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका मैं मालिक हूँ जेठालाल चंपकलाल गड़ा अभी मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ आपके जो फ्लैट का फ्लोरिंग है ना उसके अंदर कोई वो पाइप फूट गया तो उसका सारा पानी लीकेज होकर मेरी दुकान में टपक रहा है पर मेरी दुकान में वो क्या हुआ ये क्या हो रहा है दुकान में चेकिंग लीकेज लीकेज आपकी दुकान में हो ही नहीं रही है लीकेज तो ऊपर वाले के घर में हो रही है दुकान की जो हालत है वो देखते हुए हमें ऊपर के फ्लैट में घुस के ये काम कर लेना चाहिए अच्छा तभी मैं सोचूं कि ये चोर लोग घर में घुस के खुदाई क्यों कर रहे हैं हमाम ये फटा हुआ पाइप फ्लोरिंग के नीचे होगा तो खुदाई तो करनी पड़ेगी ना तो हमने खुदाई करके पाइप को ऐसा जोड़ा कि 100 साल तक में लीकेज नहीं होगा 100 साल ये बोलने में गजा रही है 2 साल तक ना हम रहने वाले ना वो रहने वाले और देखिए मिस्टर अय्यर क्या है कि दिवाली सर पे है और मेरी दुकान में लाखों का माल उसके ऊपर से पानी टपक रहा था फिर वो आपका फोन नहीं लग रहा था सेक्रेटरी भी चाबी देने को तैयार नहीं था तो भी मजबूरी में हमको क्या बिना आपको पूछे आपके फ्लैट में घुस के ये लीकेज का काम करवाना पड़ा अब हमको पूरा बात समझ में आया हमारा भी एसपी रोड में एक बड़ा लुंगी का दुकान है अच्छा उसमें भी लीकेज हुआ था हमारा पूरा गारमेंट डैमेज हो गया जी हम आपका परेशानी समझ रहे हैं आपने जो कुछ किया वो सब मजबूरी में किया इंस्पेक्टर साहब हम हमारा कंप्लेन वापस लेता है इन सबको छोड़ दीजिए प्लीज अय्यर साहब आप आइए मेरे साथ
पेपर वर्क कर लेते हैं। हाँ थोड़ा साइड में ले लो, बराबर करेक्ट। हाँ मिस्टर अय्यर, आपका नाम पूरा? माय फुल नेम इज रामकृष्णन अय्यर। आपका एड्रेस बताइए। 102 फुलमोहर अपार्टमेंट। मिस्टर अय्यर यहाँ साइन कीजिए। केदार लॉकअप खोल दो। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप इन सबको जानते हैं? हाँ अच्छी तरह जानता हूँ, ये गोकुल धाम के रहने वाले लोग हैं। देखा देखा, मैंने कहा था ना कि चालू जी पांडे जी हमको जानते हैं। हमने उनको कितना बोला कि एक बार फोन करके आप चालू जी पांडे जी को बुला लीजिए, लेकिन ये माने ही नहीं। एक मिनट, और ये लोग यहाँ क्यों? ये फ्लैट के मालिक है मिस्टर एंड मिसेस अय्यर। पर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सर ये वही लोग है जो इनके फ्लैट में से पकड़े गए। तो लोग क्यों बोल रहे हो? लोग मत बोलो, चोर बोलो, चोर। ये वही चोर है जो रंगे हाथ पकड़े गए हैं। हाँ सर ये वही चोर है जो रंगे हाथ पकड़े गए। अब तुम लोगों ने नया धंधा शुरू किया है क्या, घर फोड़ी का? अरे नहीं नहीं चालू जी पांडे जी, हम घर फोड़ी करने वाले चोर नहीं है। अच्छा चालू, सिर्फ चोर हो मतलब? अरे अरे इंस्पेक्टर साहब आप खड़े खड़े सुन क्या रहे, बताइए ना चालू पांडे जी को असली हकीकत क्या है। सर हमने इनको चोर समझ के पकड़ा था, लेकिन ये असली में चोर नहीं है। चोर समझ के पकड़ा था और चोर नहीं है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। चालू जी पांडे जी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मेरी जो दुकान है ना गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो ये मिस्टर अय्यर और मिस्टर अय्यर का जो फ्लैट है ना बिल्कुल उसके नीचे है। ओके। और आज सुबह ये मिस्टर अय्यर भाई के फ्लैट से हमारी दुकान में जबरदस्त पानी का लीकेज चालू हो गया। और आपको तो मालूम है पांडे साहब कि हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स का लाखों का माल पड़ा रहता है, इसीलिए जल्दी से लीकेज बंद करवाना जरूरी था, वरना जिठावर को लाखों का नुकसान हो जाता। इसीलिए फ्लैट का लीकेज ठीक करने इन्होंने मुझे बुलाया था, क्योंकि मैं प्लम्बर भी हूँ। प्लम्बर भी हूँ तो उसके अलावा और क्या है? मतलब हम शायर है जना, मतलब हम पहले शायर हैं फिर प्लम्बर हैं। अच्छा? हमारा नाम ही है घंटू घायल, घायल हमारा ताल्लुक है। हाँ वो शायरी की बात अभी जाना दो घंटू भाई, वो जो लीकेज की बात करो ना। इसीलिए लीकेज ठीक करने के लिए इन्होंने हमें बुलाया था, लेकिन हम लीकेज ठीक करते कैसे, ये तो घर पे ही नहीं थे। चलो केरला घूमने गए थे। और ये जो मिस्टर अय्यर का जो पड़ोसी है मिस्टर थप्पी, उनसे हमको पता चला कि इनके फ्लैट की एक एक्स्ट्रा चाबी बिल्डिंग का जो सेक्रेटरी है उसके पास रहती है। हाँ इसीलिए आज सुबह मैं सेठ जी और ये प्लम्बर भाई वो सेक्रेटरी से चाबी मांगने गए और उनसे कहा कि आप हमें चाबी दे दीजिए, हम फ्लैट खोल के फटाफट लीकेज का काम करेंगे और आपको चाबी वापस दे देंगे। लेकिन वो टस का मस नहीं हुआ, हमको चाबी देने को तैयार ही नहीं हुआ। कहने लगा कि फ्लैट के मालिक के परवानगी के बगैर मैं आपको चाबी नहीं दे सकता। हाँ तो बराबर है जेठालाल, फ्लैट के मालिक के परमिशन के बगैर वो चाबी कैसे दे सकता है? आपकी बात ठीक है पांडे जी, पर जिस तरह के हालात है अगर हम इतने बड़े लीकेज को ठीक नहीं करते तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था ना? इसीलिए मजबूरी में हमको इनके घर में ऐसे कुछ ना पड़ा। दरअसल हम लीकेज ठीक करने के लिए ही गए थे, पर मिस्टर अय्यर को लगा कि उनके घर में चोर घुस गए, तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी और पुलिस हमें यहाँ पकड़ कर ले आई। तो अब क्या करने का? सर मिस्टर और मिसेस अय्यर ने अपने कंप्लेंट वापस ली है। सर आप आज आने वाले नहीं थे, भाभी जी के साथ फिल्म देखने जा रहे थे आपने बोला था। अरे आप फिल्म देखने गए थे चलो पांडे जी? कौन सी पता नहीं। वो आवे क्यों भाई, आप पिक्चर देखने गए थे और आपको पता ही नहीं कौन सी पिक्चर देखने गया था? छोड़ी साहब मैं थिएटर तक पहुंचा ही नहीं,
आधे रास्ते से लौट कर आया हूँ। क्यों सर, क्यों? Once an inspector, always an inspector। अपराधी पकड़े जाए और मैं फिल्म देखूं, ये बात मुझे हजम नहीं होती। जब से तुमने खबर दी कि चोर पकड़े गए हैं, मेरे दिमाग में चोर चोर घूम रहा था। मेरे मन में आया कि कैसे जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचूं और चोरों को ऐसा मजा चखाऊं कि वो जिंदगी भर याद रखें। लेकिन ये गोकुलधाम वाले, आई एम श्योर, कभी मुझे केस सॉल्व करने का सुख देंगे ही नहीं। मायूस मत हो ये पांडे साहब, देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। और आप तो जानते हैं ना चालू पांडे जी, मेरी कुंडली कैसी है, आए दिन कोई ना कोई मुसीबत में मैं फंसता ही रहता हूँ। हाँ पांडे जी, जब तक जेठालाल है ना, तब तक आपका केस सॉल्व करने का चांस बरकरार है। ठीक है, आई विल वेट फॉर द गोल्डन मोमेंट, बट मेक इट सून प्लीज। सर अब हम लोग भी चलते हैं। अब हमें हमारे मोबाइल मिलेंगे या हम नया खरीद लें? ए वाइडा है, सीधा सीधा मांगने में अच्छे बेचारे दे देंगे। अभी तो चालू पांडे जी भी आ गए। पता ही नहीं चला ये क्या, ये हमारा टाइम इतना कीमती है सारा। अरे आप सब लोग, क्या बात? चोरों की गैंग पकड़ी गई है, आपने हमें यह कहकर बुलाया, और आपने तो यहाँ बेकसूरों को पकड़ा था। आपने हमारा समय बर्बाद किया इंस्पेक्टर पांडे जी। आई एम रियली सॉरी, हमारी वजह से आप लोगों का कीमती समय बर्बाद हुआ। हम क्षमा चाहते हैं, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे। ये लो 5,000 रुपया। ठीक है, शुक्रिया। ये सब तो ठीक है मियाँ, लेकिन आपने जो हमसे वादा किया था आपकी सोसाइटी में हमारा मुशायरा रखवाने का। नहीं रखेंगे ना, जरूर रखेंगे। एक काम करते, ये हमारे सेक्रेटरी साहब है सोसाइटी के, भिड़े साहब है, क्या वही सब नक्की करते सोसाइटी में क्या प्रोग्राम रखा नहीं रखना। तो इनका नंबर मैं आपको मैसेज कर दूंगा, आप डायरेक्ट इनसे ही बात कर लेना। ठीक है, तो ठीक है, मैं आपको 2-3 बार दिन में फोन कर लूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। चलो क्या, चलो जेठालाल मेरा नंबर देने की बात क्यों की? अरे भाई दिया कहाँ है तेरा नंबर? हाँ देना भी मत। नहीं अच्छा आदमी है वैसे, कभी काम आया ऐसा है। एक काम करना ना भाई, ये गंचो को मेहता सबके साथ भिड़ा देना ना, दोनों की लाइन एक ही है। मेहता सब कविता करते है, शेरो शायरी करता है, तो खूब जमेगी दोनों की। हाँ ठीक है ठीक है, अभी आप सब लोग सोसाइटी जाइए, मैं जरा आता हूँ। तू कहाँ जा रहा है भाई? सखरम को पार्क किया ना तुम्हारी दुकान के, वो लेके आता हूँ। हाँ पीड़ू, मेरी गड्डी भी उतर गड़िया, मैं भी आता हूँ। अरे अरे अभी कहाँ तुम लोग ये सखरम और गड्डी लेने जा रहे हो भाई, कल सुबह उठा लेना। अभी चलो घर जाते हैं, सब चिंता कर रहे होंगे भाई। फटाफट लेके आता हूँ, लेके छोड़ना पीड़ू, वो कल सवेरे चले जाएंगे और लेके आ जाएंगे यार। ठीक है ठीक है, जाने से पहले एक बार मैं माधु को फोन करके बोल देता हूँ कि हम लोग आ रहे हैं, वो चिंता कर रहे होंगे सब। इनका फोन, हेलो, कहाँ है आप? आपका फोन कब से बंद क्यों आ रहा है? हाँ सॉरी सॉरी माधवी, करण सॉरी, खूब 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 सॉरी। इतनी बार सॉरी कभी नहीं बोला है। बाकी सब कहाँ है? आहो मुझे ये बताइए, जेठा भाई, अय्यर भाई, सोनी भाई, हाथी भाई और हमारे पोपट भाव जी, सब कहाँ है? हाँ सब मेरे साथ ही, इतने सारे सवाल मत करो माधवी, मुझे चक्कर आ रहा है। नहीं आऊंगा, सखरम मैंने जेठा की दुकान पे पार्क किया तो मैं कल सुबह लेके आऊंगा। पूछो, रोशन की गड्डी पे आएंगे? आप रोशन सोनी भाई की गाड़ी में आएंगे? नहीं नहीं, सोनी ने भी अपनी गड्डी उधर ही पार्क की, वो भी कल सुबह ही लेके आएगा। हाँ अभी आ रहे, चलो। हाँ अच्छा मीका मंडे, आप लोग सब जेठा भाई के घर ही आना डायरेक्टली, हम लोग चाचा जी के साथ बैठे हैं आप लोगों की चिंता में, तो यहीं से घर साथ में जाएंगे फिर। हाँ अच्छा ठीक है, ओके। हमारे घर पे बुलाया, पता नहीं वहाँ पे क्या है। चलो चलो, चक्कर आ रहे हैं, होश में नहीं है, सखरम पे नहीं आ पाऊंगा। इन लोगों ने पार्टी की है, लगता है इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही पार्टी की है। तुम सब लोग चिंता मत करो,
आते ही उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी में पार्टी करना भूल जाएंगे। चाचा जी, चाचा जी, आपने जो कहा था ना वो इंतजाम हो गए। हाँ शाबाश अब्दुल, शाबाश। आज इन सबकी अच्छे से खबर लेंगे। यहाँ तो कोई नहीं है। बापूजी, माधवी, कोमल, ए देखो। अच्छा आगे सब लोग। आगे बापूजी, आगे आगे। क्या हुआ माधवी, यहाँ पे क्यों बुलाया? आगे हम पर अचानक ये हमला क्यों? अरे मुझसे क्या पूछ रहे है? हाँ। तुम लोग बताओ कहाँ से पार्टी करके आ रहे हो तुम सब? पार्टी शार्टी? पार्टी शार्टी? अरे हमने कोई पार्टी शार्टी नहीं किया बापू जी। अच्छा जी, और सुनिए, मुझे हैप्पी ने सब कुछ बता दिया कि तूने फोन पे पार्टी शार्टी की क्या प्लानिंग की है। हाँ। हाँ। जेठा जी, सुबह आप मुझे मिले थे। नहीं नहीं, आपको तो बहुत बाद में मिला था बबीता जी, उसके पहले तो मैं बापू जी और टप्पू से मिला था। नहीं मतलब ऐसी बात, वो मेरा कहने का मतलब है कि आपको मिला उसके पहले। हाँ बराबर, मैं वो बालकनी में गया ना सूरज दादा को जल अर्पण करने, तब ये काला कौवा मेरे सामने से उड़ के गया, तो सबसे पहले मैंने काले कौवे का मुंह देखा था सुबह सुबह। तो अभी आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? पुलिस स्टेशन से। अगर भाई स्टेशन, आप लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि आज का दिन कैसा गजब रहा, क्या क्या हुआ। अरे लेकिन कोई बताएगा तो पता चलेगा ना कि क्या क्या हुआ है। हाँ। मैं बताता हूँ बापूजी, मैं बताता हूँ आज का दिन तो क्या बताऊँ। इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे फोन करके बताया भी नहीं। सॉरी बापूजी, वो लीकेज बंद करने की भागा दौड़ी में आपको फोन करने का सूझा ही नहीं। सॉरी रोशन। ओ कोई हल नहीं सोनिया, मुझे तो अच्छा लगा, तो अभी भी मेरे पीछे पीछे भागती है। सॉरी सॉरी माधवी, तुमने मुझ पर ऐसा चेक किया कि मैं पार्टी शार्टी करने गया हूँ। सॉरी मी मंटलो ना सॉरी। और बबीता तुम में? सॉरी आयर। अरे चलो भाई, अभी जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। चलो अभी सब लोग अपने अपने घर जाओ और खाना खा के शांति से सो जाओ। हाँ और एक बात, मैं मानता हूँ कि तुम सब लोगों ने जो कुछ भी किया वो तुम लोगों की मजबूरी थी, लेकिन तुम लोगों ने जो तरीका अपना वो गलत था। तो अभी आगे से ध्यान रखना कि तुम लोगों से ऐसा कुछ ना हो जाए कि जिससे तुम्हें या किसी और को परेशानी। हाँ बिल्कुल, सॉरी। हाँ सॉरी, सॉरी 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 सॉरी। चलो जाओ अभी अपने अपने घर जाओ और सो जाओ। बाबू जी एक मिनट, मैं जरा अपने दोस्तों को थैंक यू बोल दूं। आज पूरा दिन बहुत मदद की इन्होंने यहाँ से। अरे अब्दुल भाई ने बताया आप सब लोग यहाँ पर हो, कुछ हुआ क्या? मीटिंग चल रही है क्या कोई? अरे नहीं नहीं टप्पू बेटा, ऐसा कुछ नहीं, कोई मीटिंग मीटिंग नहीं है, सब लोग ऐसे ही आए हैं तो सब मिलकर बातें कर रहे हैं। चलो जाओ जाओ अपने अपने घर जाओ और जाकर सो जाओ। अरे दादाजी प्लीज। टप्पू बेटा मैंने कहा ना, जाओ सब लोग अपने अपने घर जाओ और जाकर सो जाओ। हाँ टप्पू तू भी सो जा। जी दादाजी। बाय बेबी, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। चलो भाई अभी तुम लोग भी सब अपने अपने घर जाओ, खाना खा के सो जाओ। और अभी दिवाली आ रही है तो कल से दिवाली की तैयारी भी तो करनी होगी ना। अरे हाँ। हाँ।
आसमान से टपके तो खजूर में अटके, खजूर से निकले तो पाताल में लटके, पाताल से निकले तो जमीन पे पड़े जोरदार बड़े बड़े छक्के। भाई कुछ ऐसा ही सफर रहा है जेठालाल की, जो दुकान में लीकेज की प्रॉब्लम थी इसे ठीक करने का, इस समस्या को सुलझाने का सफर। लेकिन एक बात है, जेठालाल को जब भी पड़ते हैं किस्मत के फटके, फूटते हैं हंसी के मटके। और ये किस्सा था जरा हटके, क्योंकि भाई पुलिस, मीडिया, चाचा जी और महिलाओं से बच के हमारे गोकुलधाम के मर्दों ने चैन की सांस ली है। लेकिन इस पूरी कहानी में आपको मिला हंसी का जबरदस्त डबल डोज, तो आपको हंसी का डोज मिला इसलिए, और नववर्ष की ढेर सारी बधाइयां, चाहिए खूब सारी मिठाइयां, लेकिन बस हंसने की गुंजाइश रखिएगा, क्योंकि यहाँ नए धमाके तैयार हैं। नए धमाके क्या होते हैं और आप कितना हंसते हैं ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.